हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में साक्षर भारत मिशन के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 8 सितंबर 2009 में साक्षर भारत मिशन नामक एक अभियान राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था साक्षरता दर को बढ़ाकर 80% करना। साक्षर भारत मिशन मुख्य रूप से वयस्कों, विशेषकर महिलाओं को साक्षर करने पर केंद्रित था। साक्षर भारत मिशन 26 राज्यों में चलाई गई। ये वैसे राज्य हैं जिनमें 2001 की जनसंख्या के अनुसार वयस्क महिलाओं की साक्षरता दर 50% से कम है। अब हम लोग साक्षर भारत मिशन के उद्देश्य को देख लेते हैं। साक्षर भारत मिशन का पहला उद्देश्य है उच्च महिला साक्षरता दर सुनिश्चित करना। साक्षर भारत मिशन का अगला उद्देश्य है वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देना। साक्षर भारत मिशन का अगला उद्देश्य है शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाना जो औपचारिक शिक्षा को पूरा करने से चूक गए हैं। साक्षर भारत मिशन का अगला उद्देश्य है गैर साक्षरों को इतना शिक्षित कर दिया जाए कि वे अपना दैनिक कार्य खुद कर सकें। साक्षर भारत मिशन का अगला उद्देश्य है 15 साल और उससे ज़्यादा आयु वर्ग के तकरीबन 7 करोड़ निरक्षर लोगों को अक्षरों का बोध कराना। साक्षर भारत मिशन का अगला उद्देश्य है पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता दर के अंतर को पाट कर 10% से भी कम करना। साक्षर भारत मिशन का अगला उद्देश्य है वयस्कों को कुशल बनाना। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।